यह है सेम की फली के बीज, मार्केट में मिलते हैं बीज। इसको धो के रख ली मैं। आज हम इसी का सालन बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे सेम की फली बीज और खीमे का सालन। तो चलिए इसके लिए क्या क्या लगता देख लेंगे। सब में पहले हम कुकर को चढ़ा लेंगे गैस पे। कुकर गर्म हो गया, कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम। अब हम एक बड़े साइज़ के प्याज कट करके ले लेंगे। साथ में हम इसमें 300 ग्राम खीमे को डाल देंगे। 300 ग्राम खीमा है ये, अच्छा धो के पानी निथरने के लिए रख दी थी मैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा स्पून से भी कम। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 स्पून डाली मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 स्पून। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1 स्पून। अब ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कुछ देर तक इसी तरह से खीमे को भून लेना। ये देखिए थोड़ी स्मेल, मिर्ची की स्मेल ख़त्म होए तक भून लेना खीमे को। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके ले ली मैं। मेथी की भाजी ले लेंगे 1 मुट्ठी। अब हम इसमें 1 गिलास जितना पानी डाल के डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के प्याज और टमाटर गलने तक पका लेंगे। सिर्फ 2 से 3 सीटियाँ छोने देना। ये देखिए अब हम इसको भून लेंगे थोड़ा। ज़्यादा नहीं भुनना, क्यों बोलते हम आपको बीजे भी ऐड करना है अभी, इसीलिए मैं 2 से 3 सीटियाँ लगाई इसको। अब हम जो बीजे निकाल के रख लिए थे, ये मार्केट में बीज मिलते ही बीजे सेम की फली के, ये डाल देंगे, धो के रख ली थी मैं। और आधा ग्लास जितना पानी डाल देंगे हम इसमें, मिक्स कर लेंगे। अब हम ये बीजे गलने तक ढक्कन लगा के पका लेंगे। अभी हम चेक कर लेंगे, पूरा पानी ड्राई हो गया इसमें का। गैस की फ्लेम को ऑन कर ली मैं। अभी हम इसमें कोथमीर डाल देंगे, आधी कप जितना पानी डाली मैं इसमें। फिर से थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे, 2 हरी मिर्ची चीर के डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा मज़े का बनता सालन ये सेम की फली के बीज का और खीमे का। कुछ देर ढक्कन ढाप के तेल ऊपर आने तक पका लेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए तेल हल्का हल्का ऊपर आ गया। रेडी हो गया सालन, ये बीजे भी गल गए इसके, टमाटे प्याज सब अच्छे से भुने गए।
अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है ये। गार्निश कर लेंगे अनियन के साथ हम। तो ये थी आज की रेसिपी, खीमा और सीम की फली बींच के रेसिपी। अगर पूरी रेसिपी देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।